ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि आपका पेट आपसे क्या कहता है, क्या कहना चाहता है जिसको आप समझ नहीं पाते। यानी कि हमारी बॉडी हमसे कम्युनिकेट करती है। यानी अगर आप समझ जाएं कि हमारी बॉडी हमसे क्या कह रही है, उस कम्युनिकेशन को जो बॉडी हमको सिग्नल्स दे रही है, हमसे कह रही है, अगर आप समझने लगें तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए दवाइयों के लिए भागने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ स्टमक को लेकर। आपका पेट आपसे क्या कहता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी बॉडी का। सातों चक्र में भी सेंटर में है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, यानी कि एक ऐसा चक्र जहाँ से होकर सारे इमोशंस गुजरते हैं, सारी भावनाएँ गुजरती हैं। तो अगर उन इमोशंस में, भावनाओं में कहीं भी उथल पुथल हुई तो चक्र हो गया आपका गड़बड़, और गड़बड़ हुआ तो हो गया आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन, सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं यहीं से। तो आज मैं यही बात करने जा रही हूँ कि रीज़न क्या है स्टमक पेन का, रीज़न क्या है एसिडिटी का। अगर आप ये समझ जाए, ऑफ कोर्स आपको स्विच वर्ड भी दूंगी, आपको एंजल नंबर भी दूंगी, कुछ जेम्स भी बताऊंगी जो आप स्टमक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब दर्द हो रहा है उस समय आप नहीं सोच पाएंगे कि उसका रूट कॉज क्या है, उस समय तो इंस्टेंट हीलिंग की आपको ज़रूरत है। तो जो आपको एंजल नंबर दूंगी वो आप इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको इंस्टेंट आराम आएगा। लेकिन जब आराम आ जाए तो उसके बाद आपको जानना भी ज़रूरी है कि रूट कॉज क्या है। बार बार अगर आपको स्टमक पेन होता है, एब्डोमिनल पेन आपको रहता है, एसिडिटी आपको रहती है, स्टमक अल्सर्स आपको रहते हैं, तो उसका क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है। तो स्पिरिचुअल मीनिंग अगर आप जान गए, रूट कॉज अगर आप जान गए, तो आप खुद हील कर पाएंगे। शुरुआत हम स्टमक पेन से ही कर रहे हैं। स्टमक पेन अगर आपको है तो क्या उसका स्पिरिचुअल मीनिंग हो सकता है। स्टमक का काम क्या है, रिसीव करना, डाइजेस्ट करना। तो अगर आप इमोशंस को, क्योंकि आपका ये वाला चक्र सोलर प्लेक्सस चक्र इमोशंस का घर है, हाउस ऑफ इमोशंस है, अगर उन इमोशंस को आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिसीव अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आपको स्टमक पेन होने लगेगा। यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ चल रहा है, जीवन में अब तक जो चलता आया है, आपने उसको ठीक से रिसीव नहीं किया और उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं किया। मींस कि वो जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको पसंद नहीं है, आप उसको हजम नहीं कर पा रहे। तो चीज़ों को हजम नहीं कर पा रहे, इमोशंस को हजम नहीं कर पा रहे, तो स्टमक में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो लगातार अगर स्टमक में पेन रहता है तो इंस्टेंट के लिए तो नंबर बाद में दूंगी, लेकिन जो रूट कॉज है उसे समझ लो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा है कि जो इमोशंस, मतलब उथल पुथल ऐसी है जो नहीं आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, डेफिनेटली स्टमक पेन होगा। तो अगर ऐसा है तो उन इमोशंस को पे काम करिए कि आप क्या कर सकते हैं। वो आगे आपको बताऊंगी मैं कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये तो है आपका पहला रूट कॉज कि आप इमोशंस को नहीं डाइजेस्ट कर। दूसरा, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे इश्यूज हैं जो सालों से सॉल्व नहीं हो पा रहे, आप उलझे हुए हैं। यानी मेंटली आप उलझे हुए हैं, कोई ऐसा इश्यू, मान लो आप किसी रिलेशनशिप में हैं जो बहुत ही खराब स्थिति में चल रही है और आप उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे, आप उसमें साथ भी नहीं अच्छे से रह पा रहे, तो अनरिजॉल्व्ड है, जो सुलझ नहीं पा रहा। तो अगर लाइफ का कोई ऐसा मसला है जो सुलझ नहीं पा रहा है, तो समझ लीजिए आपको पेट में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस कलेक्ट हो रहे हैं और आप उसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज बहुत बड़ा रीजन होता है स्टमक अपसेट रहने का, स्टमक पेन होने का। तीसरी चीज है मेंटल टर्मोइल, यानी कि उथल पुथल का दौर, उथल पुथल फिजिकल नहीं, मेंटल। यानी आपकी लाइफ में सब कुछ ऐसा हो रहा है कि उथल पुथल चल रही है, मतलब दिमाग में समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं, इससे रिश्ता टूट रहा है, उससे रिश्ता जुड़ रहा है, वो ऐसा कह रहा है मेरे लिए, वो वैसा कह रहा है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मेंटल आप बहुत ज़्यादा उथल पुथल के दौर में हैं।
अगर मेंटली बहुत ज्यादा उथल पुथल के दौर में आप रहेंगे तो डेफिनेटली पेट आपका अपसेट रहेगा, पेट की प्रॉब्लम्स होना आपको शुरू हो जाएंगी, खास तौर पर स्टमक पेन आपको रहेगा, एब्डोमिनल पेन आपको रहेगा ही रहेगा अगर मेंटल टर्मोइल यानी कि मेंटल उथल पुथल के दौर से आप गुजर रहे हैं। तो ये तो चीजें हो गई। अगला टॉपिक है एसिडिटी। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम लगातार रह रही है, तो समझ जाइए, एंजल नंबर तो दूंगी ही, बाद में दूंगी इसके लिए, लेकिन पहले रूट कॉज समझिए, समझ जाइए एसिडिटी हो रही है, यानी आपने बहुत सारे गुस्से को अपने अंदर दबा के रखा है, डाइजेस्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। किसी चीज पे, किसी व्यक्ति पे आपको गुस्सा तो बहुत है, लेकिन उस गुस्से को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उस गुस्से को आप निकाल नहीं पा रहे कहीं भी। जब आप उस गुस्से को कहीं नहीं निकाल पाएंगे, वो गुस्सा दब जाएगा, अंदर दब जाएगा, तो आपको देगा एसिडिटी। एसिडिटी होगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको होने लगेगी। तो रूट कॉज ये है। हो सकता है एंजल नंबर आपको इंस्टेंट आराम दे दे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वो चीज होगी, क्योंकि रूट कॉज तक आप नहीं पहुंचे हैं। तो रूट कॉज तक आप कैसे पहुंचेंगे? दबे हुए गुस्से को रिलीज करके। दबा हुआ गुस्सा रिलीज करना आपको बहुत जरूरी है। तो ये तो है स्पिरिचुअल मीनिंग। स्टमक अगर आपका अपसेट है या पेट से जुड़ी जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं, अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन कैसा हो सकता है? सातों चक्र में सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्र होता है, क्योंकि पेट से जुड़ी सब चीजें तो है ही, ये वो जगह है जो हमको देता है कॉन्फिडेंस। अगर आपका पेट गड़बड़ है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। अगर आपका पेट गड़बड़ है तो आपका इमोशंस भी कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चक्र होता है। तो इसको बैलेंस आप कैसे कर सकते हैं? रेकी वाले तो भाई रेकी से हील करेंगे, क्लियर बात है। जो रेकी में नहीं है वो क्या करेंगे? कुछ क्रिस्टल्स और जेम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रिस्टल में कौन सा क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं? सिट्रिन हमारे पेट से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहला क्रिस्टल आप सिट्रिन यूज कर सकते हैं। दूसरा क्रिस्टल जो पेट की प्रॉब्लम्स में आपको बहुत मदद देगा, हम उसको जेम बोलते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल रफ फॉर्म में होता है, ये जेम्स होते हैं। तो दूसरा जेम जो आपके पेट में आपके लिए मददगार साबित होगा वो क्या है? एमरल्ड, यानी कि पन्ना। पन्ना आपको पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स में बहुत मददगार साबित होता है। पन्ना होता है कॉस्टली, तो अगर आप पन्ना को यूज ना कर पाए ना, तो एक काम करिए, एक बढ़िया सा पन्ना एमरल्ड, उसकी पिक्चर लीजिए, मोबाइल पे वॉलपेपर बनाइए, बार बार देखिए, उस हरी एनर्जी को बार बार देखिए, रिसीव करिए। लैपटॉप पे एमरल्ड की इमेज बनाकर रखिए, घर में एक अच्छा सुंदर हरा एमरल्ड का पिक्चर लीजिए, कलर्ड लीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में मजा नहीं आएगा, कोई काम नहीं करेगा। आपने एक अच्छा सुंदर ग्रीन एमरल्ड की इमेज ली, जहां पर आप सोते हैं वहां लगा लें, जहां काम करते हैं वहां पर फ्रेम करके लगा लें। एमरल्ड की इमेज आपको स्टमक से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनमें बहुत राहत दी। इसके अलावा अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि एसिडिटी भी आपको होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ज्यादा है मींस पेन ज्यादा है, तो आप एमरल्ड की तरफ जाएं। लेकिन अगर एसिडिटी आपको ज्यादा हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो रही है, तो फिर आप पर्ल यूज कर सकते हैं। पर्ल यानी कि मोती। मोती उतना कॉस्टली नहीं होता, आप चाहें तो मोती खरीद भी सकते हैं, पहनना चाहें तो पहन लें, नहीं पहनना चाहें तो मोती को लेकर अपने वॉलेट में रखिए। हमेशा अपने पास मोती को रखने की कोशिश करिए। मोती आपके पास रहेगा तो आपको हाइड्रेट रखेगा, हाइड्रेट रखेगा तो ये वाली प्रॉब्लम में कमी आएगी। मोती अगर आप चाहें तो उसका भी वॉलपेपर इमेजेस, उस फॉर्म में आप मोती को भी यूज कर सकते हैं। पर्ल को आसपास रखेंगे तो बहुत हद तक इन प्रॉब्लम्स में आराम आएगा। अफर्मेशन के लिए अगर हम बढ़े, सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो अफर्मेशन आप समझ चुके हैं रूट कॉज। अफर्मेशन आप क्या बोलेंगे? कि मैं रेडी हूं उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के कर रहा हूं जो लाइफ मुझे दे रही है। आई एम रेडी टू रिसीव वट एवर लाइफ इज गिविंग, मीन्स जीवन जो भी मुझे दे रहा है मैं उसको एक्सेप्ट खुले हाथों से कर रहा हूं। जब आप रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम्स आएगी। एक्सेप्ट करिए, ठीक है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, आई रिसीव, आई एक्सेप्ट, मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं उनको। जैसे ही आप रिसीविंग मोड में आएंगे ना, आप देखेंगे काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व उससे
होने लगेगी। तो ये आप लगातार अफर्मेशन अपने आप को दीजिए, जीवन मुझे जो भी दे रहा है मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार कर रही हूँ। 10 बार 20 बार 25 बार इस अफर्मेशन को हिंदी इंग्लिश जैसे बोलना है बोलिए, आप देखेंगे आपका जो पेट का इशू है ना काफी हद तक आपको राहत आने लगेगी। स्विच वर्ड्स आप एमरल चैंट करिए, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप पर्ल चैंट करिए, स्टमक के सभी इश्यूज के लिए आप एमरल भी चैंट कर सकते हैं, अकेले एमरल से भी आपको राहत आएगी, चाहे तो एमरल करें चाहे तो पर्ल कर लें, दोनों से आपको आराम आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एंजल नंबर की तरफ। एंजल नंबर जो एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन के लिए, अगर पेट में दर्द आपको ज्यादा ऐठन रहती है, मरोड़ रहती है, पेट में दर्द ज्यादा है आपको, तो आपका क्या नंबर होगा? 4541435 9 4541435 9। इस नंबर को कोई भी कलर के पेन से अपने लेफ्ट साइड में लिखना शुरू करिए। आप चाहें तो स्टमक पे भी लिख सकते हैं, पेट पर भी ये नंबर लिख सकते हैं, लगातार लिखिए जब तक आपको राहत ना आ जाए। ठीक है, दूसरा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस्ट्रिक के लिए आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी, खट्टी डकारें, ये सब ज़्यादा आती है, पेट पर लिख लीजिए किसी भी कलर के पेन से 5.3, बहुत राहत आएगी आपको इससे। तो ये दो नंबर्स हैं जो आप अपने लिए पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट कॉज आप जान गए, काम असली करना है तो रूट कॉज पे करिए, रूट कॉज पे काम कर लिया, पेट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से वीडियो समझे होंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सबको नमस्ते।